स्टूडेंट्स अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडलीवस मेडिव फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेबल पेज नंबर फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स आपने इसका यहाँ से आंसर पेज नंबर फोर्टी फाइव पे यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है मेडिवस टेबल से और ये कंप्लीट देना है रशियन केमिस्ट मेडिव से आपने स्टार्ट करना है और एंड तक ये बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ये क्वेश्चन नंबर वन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों यहाँ पे ये एंड हो रहा है अब क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास शो वाई इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज इफ़ वन मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट ये पेज नंबर फिफ्टी वन पर आ जाए आप लोग इसका आंसर फिफ्टी वन पेज पे है इसमें स्टूडेंट सबसे पहले इसके आंसर में आपने ये डेफिनेशन देनी है टॉपिक रेडियस की हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्यर ऑफ द टू बॉडी एटम इज रेफर्ड एज टॉपिक रेडियस ऑफ द एटम और उसके बाद आपने स्टार्ट लेना है यहाँ से वैन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आल दो अटोमिक नंबर इनक्रीजेज येट द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज ग्रेजुअली इट इज बिकॉज विद द Increase of atomic number, the effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more protons in the nucleus. But on the other hand, addition of electrons takes place takes place in the same valence shell. Shells do not increase. There is gradual increase of effective nuclear charge, which increases due to addition of protons. This force pulls down or contracts the outermost shell towards the nucleus. For example, atomic size in period two. डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू टू नियॉन सिक्सटी नाइन पिकोमीटर और आपने उसमें ये टेबल भी बनाना है यहाँ तक आपका ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है इज इट क्लियर हमारे थर्ड क्वेश्चन फोर पे आ जाए आप लोग इसमें बचो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से ठीक है यहाँ तक लिखना है इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये टेबल भी बनाना है इन पीरियड uh, के अंदर जो टेबल है इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी का ये देना है उसके बाद आपने ग्रुप के बारे में ट्रेंड लिखना है ये ट्रेंड इन ग्रुप है इट जनरली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज अट्रैक्शन फॉर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकन्स फॉर एक्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी वैल्यू ऑफ ग्रुप आर सेवनोजेंटेड हेयर और आपने ये टेबल भी इसके साथ देना है इज इट क्लियर थर्ड क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल पेज नंबर फोर्टी सेवन स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर है इम्पोर्टेंट फीचर्स या सेट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल आपने यहाँ से स्टार्ट करना है पॉइंट नंबर वन से दिसल कंसिस्ट ऑफ और एंड करना है आपने ये पॉइंट नंबर सिक्स है हमारे पास सब शेयल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ से ले कर आपने यहाँ तक इसको कम्प्लीट देना है

डिटेल द पीरियड्स इन प्रोडक्ट टेबल पेज नंबर फोर्टी नाइन और फिफ्टी क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर पेज नंबर फोर्टी नाइन से स्टार्ट होगा जहाँ पीरियड से फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड से स्टार्ट होगा बच्चे ये आप लोगों ने पूरा कंप्लीट लिखना है शेल ऑफ द एलिमेंट्स पे और नेक्स्ट पेज पे और पेज नंबर फिफ्टी पे जो ये टेबल गिवन है ये भी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ही पार्ट होगा जहाँ पर इसका आंसर कम्प्लीट होगा क्वेश्चन नंबर सेवन है वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन प्रोडिक टेबल पेज नंबर फोर्टी सेवन एंड फोर्टी एट जो है कंप्लीट होगा इसमें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर यहाँ से आपका स्टार्ट होगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडिक टेबल ये आप लोगों ने कंप्लीट पेज देना है पेज नंबर फोर्टी सेवन कंप्लीट अप टू द लास्ट राइट और पेज फोर्टी एट का ये पार्ट जो है पेज फोर्टी एट पर जो लिखा हुआ है या, या जो क्वेश्चन नंबर फाइव में भी इंक्लूड है वो पार्ट भी क्वेश्चन नंबर सेवन में इंक्लूड होगा कंप्लीट आप लोगों ने देना है यानी पेज नंबर फोर्टी सेवन से आप स्टार्ट करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल पे और पेज फोर्टी एट पे ट्रांजिशन मेटल पे आप लोगों ने इसका ऐड करना है क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास वट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन दोडिक टेबल ये आपने कम्प्लीट देना है आयोनाइजेशन एनर्जी पेज फिफ्टी थ्री पे ये, ये हमारे पास क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी का आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे इस पे क्वेश्चन को और स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐड करना है और इसमें ये दोनों टेबल जो हैं वो इंक्लूड होंगे अब ये हमारे पास क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटी वायर ड्रीजेज इनियड एंड डिकीज इन राइट और फिफ्टी फोर पेज भी यहाँ से स्टार्ट से, right? से है फिफ्टी फोर पेज भी ये भी क्वेश्चन नंबर नाइन का पार्ट है सारा और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से ऊपर तक लिखना है और इसमें दोनों टेबल जो है इंक्लूड होने क्वेश्चन नंबर टेन है बच्चे जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम्स हैव मोर शीलिंग इफेक्ट दस लो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका आंसर जो है पेज नंबर हमारे पास है फिफ्टी थ्री पे आयोनाइजेशन एनर्जी का लास्ट पैराग्राफ एज वी मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल्स लाए बिटवीन द वेलिस शेल एंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम दीज एडिशनल शेल्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन present in the outermost shell, resultantly the valence shell electron can be taken away easily, right? and therefore ionization energy of element decreases from top to bottom in a group. और साथ में जो ने आप लोगों ने ये example include करनी है सोडियम आयटम और पोटेशियम आयटम की. सोडियम आयटम की आपको बताया है कि atomic size कम है, shielding effect कम है और ionization energy कितनी है ज़्यादा four ninety six kilo joule per mole राइट right, और इस तरह से पोटेशियम ऐटम को देखें आप ऑटोमिक साइज बड़ा है बिगर है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम है एज़ कंपेयर टू द सोडियम ऐटम के इज इट क्लियर